राम की नगरी में आज के दिन कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना 22 को राजनीति होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए मतलब बाद में, चूंकि सब धर्म के हर दल के लोग सब धर्म के हैं महाराज जी। पहले बात में मेरी बात सुनिए, ये मेरी विचारधारा है। राम सबके हैं और सब राम के हैं, ठीक है। एक है जब धर्म ही है कि सर्व धर्म क्या है, धर्म एक ही सनातन धर्म है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा नहीं तो धर्म लाए सभी दलों को भाजपा में मिला दीजिए। लाइन में धर्म है, धर्म बताइए, इनसे पूछिए धर्म कौन है, मिला दीजिए। अच्छा हम धर्म, आपका क्या धर्म है? हमारा सनातन धर्म है, आपका धर्म? हमारा सनातन धर्म है। बोले सब धर्म आए, कहा धर्म आए, कैसे नहीं धर्म? एक बात है, आप 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 कह, अरे मेरी बात, अरे बात सुनिए, बात तो सुनिए। आप कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति तो विपक्ष कर रहा है कि राम के नाम पर विपक्ष राजनीति हो रही है। आज यहाँ क्यों आए बताइए आप, क्यों आए राम की नगरी में क्यों आए? आज मोदी जी ने इंटरनेशनल हवाई अड्डे का जो यहाँ पर आए हैं लोग, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आए हैं यहाँ पर लोग, ये जाने। तो हम मुस्लिम धर्म जिंदा रखते हैं, आप बताइए, आप बताइए। और हम सरकार की करेंगे? नहीं आप बताइए ना, आप बताइए ना, मैं कह रहा हूँ। तो इधर उधर भाग रहे हैं, फंस नहीं रहा हूँ। सनातन धर्म क्या बात कर रहे हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं? मैं कहा अयोध्या में सारे धर्म के बात की कोई धर्म अर्जान नहीं है, ये बात से वितर्क है। और ये अपने बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, जो बोल रहे हैं अनाप शनाप बोल रहे हैं, इनके बात से कोई विमर्श नहीं, एक बात का वितरण बना रहे हैं। इनके बात में कोई कोई लॉजिक नहीं है, इनके बात में अनलॉजिकल बात कर रहे हैं, इनको जाने दीजिए। अनलॉजिकल बात कर रहे हैं, ये अनलॉजिकल बात कर रहे हैं, ये इनका कोई बात नहीं है, ये अनलॉजिकल। सनातन धर्म है, जिंदा है और रहेगा। इनके दोस्त लोग आए होंगे, मतलब अलग अलग धर्म से आए होंगे, इनके दोस्त लोग होंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही धर्म है पूरे भारत में, शायद वर्ल्ड में भी एक ही धर्म है, सनातन धर्म। बस धर्म को मिटा दीजिए, नहीं मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, सब धर्मों को मिटा दीजिए, सब धर्म मिटा दीजिए। आराम, धर्म मिटाने के लिए ये भीम है, ये भीमराव अंबेडकर है, ये निर्दलीय पद से लड़ेंगे, ये का नाम भीमराव अंबेडकर। हम तो दलित के लिए लड़ रहे हैं, ये दलित के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, एक एक, एक बात, आराम शांति रखिए आप। वो हम आपको राष्ट्रपति बना ये बात पूछ रहे हैं, ये बताइए अयोध्या में क्या क्या विकास हुआ, विकास बताइए। अयोध्या में हुआ ये धर्म पद हुआ, आप बताइए कहाँ से आप, यहाँ के रहने वाले हैं, हम यहाँ हम भी हैं, हम भी हैं, हम सरजू नगर का भी रहने वाले, हम भी रहने वाले हैं। एक ही नारा, एक ही राम, जय राम, जय राम, एक नारा, एक ही राम, जय राम, जय राम, एक नारा, एक जय श्री राम, जय श्री राम। अब आ गए जय श्री राम पर, अब आ गए, अब आ गए जय श्री राम पर। ये माहौल का दिया, इस माहौल से नहीं बोलेंगे क्या? एक ही बताइए, हम राम को नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। नहीं, हमने कहा राम की विरोध किया यहाँ पे, कि आपने हम मेरा विरोध किया, हमने ये कहा कि सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोग अपनी अपनी विचारधाराओं में रहते हैं। मुस्लिम भी साथ हैं, बबलू खान कौन है, मुसलमान है, बबलू खान भाजपा साथ हैं, ठीक ना। तो सभी धर्म के, हम किसी का धर्म अपना थोप नहीं सकते। हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम राम के भक्त हैं, ठीक है। सबका अलग अलग विचारधारा है, उस विचारधारा से सवाल क्या पूछा था आपने, कितनी बातें कर ले। मैंने कहा गठबंधन के नेता नहीं आ रहे, आप क्या कहेंगे? हाँ, गठबंधन नेता नहीं आ रहे हैं, उनको आना चाहिए। अगर वो राम में विश्वास रखते हैं तो उनको आना चाहिए, चाहे जो जिस दल का हो, लेकिन इस राम में मतलब जो सबको जिनको भगवान में विश्वास, उनको यहाँ आना चाहिए, आना चाहिए ना? उनको आना चाहिए। तो फिर ये भी क्यों कहते हैं कि हम राम के, बजरंग बली के सब भक्त है? एक बात सुनो, एक बात सुनो, ऐसा है, न्योता, न्योता किसको दिया जाता है, किसको देते हैं? जो अपना नहीं होता उसको दिया जाता, जो दूर का होता है। जब हम तो राम तो ऐसे ही चले आना चाहिए, न्योता का निमंत्रण। तो ये तो कह रहे हैं हमें निमंत्रण नहीं दिया गया, तो ये तो निमंत्रण की बात कर रहा है। निमंत्रण राजा हो या गठबंधन के जितने भी नेता हो, सबके सभी सब नकार रहे। एक दिन बताइए, जब मतलब मुकदमा चल रहा था, राम जी का मुकदमा चल रहा था, यही लोग विरोध कर रहे थे जाकर के, यही लोग विरोध कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि सब अपनी अपनी विचारधारा है? तो ना, वही मैंने आपने कहा, देखो आप आए, वही मैंने कहा जिसकी जो विचारधारा है, अब सारे भारत की, जिसे आपने डी राजा बताया, सारे भारत की विचारधारा हम थोप नहीं सकते। जिसको राम में और राम की संस्कृति पर और राम के राम राज पर पलकना पर विश्वास, वो भारत में कहना चाहते हैं, बोलिए। वो यहाँ आएगा, मैं महाशय को कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष में सिर्फ एक ही नारा चलेगा, एक ही विचार चलेगा, वो सनातन है, हमारी संस्कृति है,
वो स्वरूप उसके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चलेगी सिर्फ सनातन संस्कृति। या मैं ये कभी नहीं कहा, मैंने जो आपने अपने मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो आपने मेरी बात सुनो, जो बराबर माइक दिया जा रहा है आपने, जो आपने डी राजा की बात किया, यही मैंने कहा, अगर डी राजा समाप्त सनातन को मानते हैं, अखिलेश यादव अगर सनातन को मानते हैं, तो उनको बगैर उतारा अगर नहीं आए तो फिर कौन है, फिर बताइए, अगर नहीं आए राम मंदिर के, मैं उनका धर्म बदल नहीं सकता हूँ। जिनको राम में विश्वास है, मेरी बात सुनो, जिनको राम में विश्वास है, आपको राम में विश्वास, हमको राम विश्वास है, जिनको राम में विश्वास है वो तो आएगा, जिनको राम अगर नहीं आए तो राम विश्वास नहीं इनको, हम कौन होते लाइसेंस देने वाले, हम कौन लाइसेंस देने वाले, तो कह रहे हैं कि जिनमें राम विश्वास है वो आएंगे, तो नहीं आने वाले तो फिर नहीं है, और क्या मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर राम में जिसको जिसको भारत में देश में जिसको राम में विश्वास है वो आएगा, जिसको राम में विश्वास है वो आएगा, मेरी बात सुन लीजिए, जिसको राम में विश्वास, जिसको राम में विश्वास है वो आएगा, राम में विश्वास आपको है, राम में विश्वास हमको है, जिसको विश्वास हो, जिसको नहीं विश्वास है, क्या आप अखिलेश को ला सकते हैं, क्या हम ला सकते हैं, कि हम डी राजा को ला सकते हैं, ला सकते हैं ना, आने वाले समय में जिनको विश्वास नहीं है ना, वो नहीं आएगा, उनको भी विश्वास कराएंगे और लाएंगे, उनको भी विश्वास कराएंगे और लाएंगे, नहीं तो आएंगे ही नहीं, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहे, बैठे रह जाएंगे। धर्म नगरी, मैंने कहा धर्म नगरी है, धर्म नगरी में जिसको विश्वास है वो आएगा, जिसको नहीं विश्वास वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, देखिए इनको मैं प्रधानमंत्री तो है ही है, लेकिन ये इस युग के भगवान राम है, साक्षात राम के दर्शन किए हैं, और बात ये है कि बात आप लोग 2024 की करेंगे तो 2024 तो जीत चुके हैं, उसमें कोई संशय नहीं है, चुनाव तो हो जाने दीजिए, मोहर लग चुकी है भैया, मोहर लग चुकी है, अब 5 साल बाद की भी मोहर लग चुकी है, 5 साल बाद की भी, हाँ भाजपा की, किसकी, भाजपा की सरकार, पूरा भाजपा, देखिए देखिए अनलिमिटेड है, ये सनातन धर्म की जो पहचान है, हमको नरेंद्र मोदी और योगी जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस युग में कराई है, इनको हम युग महापुरुष के नाम से भी कह सकते हैं एक तरीके से कहे तो, गठबंधन हुआ तो नहीं लगता है कि देखिए चाहे जितनी बड़ी ताकत आ जाए लेकिन शेर शेर ही रहता है, पूरा जंगल एक हो जाए लेकिन शेर का मुकाबला थोड़ा कोई कर पाता है भैया, जो शेर है वो शेर रहेगा, कहते एक हो जाएंगे तो इस बार उखाड़ फेंकेंगे 24 में, भैया वो कुछ नहीं कर पाएंगे, दावा 2024 की तो बात ही मत करिए, वो जीत चुके हैं, जीत चुके हैं, जीत चुके हैं, अब 2029 के सीधे आइए टॉपिक पे, उसमें अगर पूरा गठबंधन भी एक हो जाएगा तब भी भाजपा की सरकार बनेगी, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में रहेंगे, लेकिन भाजपा की सरकार 2029 में बनेगी, लेकिन बेरोजगारी का और इसकी जो मुद्दे उठाए जाते हैं लगातार विपक्ष द्वारा, महंगाई का, तो फिर कैसे बना लेंगे सरकार, देखिए बेरोजगारी का मतलब आदमी हिंदुस्तान में अगर कोई है, अगर वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है, तो बेरोजगारी कहीं नहीं है, हमारे योगी जी और मोदी जी ने इतनी सुविधाएं दे दी हैं, इतनी योजनाएं चला दी हैं कि आप अगर आइए तो बाहर निकल के आप करना चाहें तो काम, काम की कमी नहीं है भैया यहाँ पे, आप कमी नहीं करना तो चाहें, अब फ्री में भैया दिल्ली की तरह हम लोग नहीं कर सकते हैं, यूपी वाले अपना काम करेंगे, रोजगार है, रोजगार है, आप आइए, रोजगार है, यस, क्या रोजगार करते हैं, जैसे हम अपना खुद का काम भी कर सकते हैं, किसान है, अपना खेती से भी इतना जो है मतलब कारखाना चल रहा है, मील है, अपना खेती करें, गन्ने से अपना पैसा निकालें, अच्छा 24 में क्या रोजगार कहाँ से हुए, 24 में क्या हुआ, मोदी निकले हैं, निकले हैं, कंफर्म है, 2029 में 100% है, 100% 25% मोदी को ही जाए, 125% अंग्रेजी, 125% बिल्कुल 200% 200% हमारा वोट भी मोदी को जाएगा, बीजेपी की सरकार है पूरे कलयुग में, जब तक बीजेपी है तब तक उसी की सरकार रहेगी, जिसका अपना गठबंधन नहीं है वो कैसे गठबंधन बना के हमें बीजेपी, राम जी हैं, मोदी जी साक्षात राम जी हैं, राम जी हैं, बिल्कुल, मतलब देख लिए हैं आपकी, अब होगा बिल्कुल, यही आप भी रहेंगे यही हम भी रहेंगे, देख लिया जाएगा, देख लिया, मुलाकात यही हो, राम भक्त के आगे कोई विपक्ष खड़ा हो ही नहीं सकता, कोई विपक्ष है नहीं यहाँ पर, देख ली घूम, मैंने बताया था पहले भी, अभी भी फिर बता रहा हूँ कि कोई विपक्ष आपको यहाँ नहीं मिलेगा,
वोट बता दिए थे ना आपको, यहाँ पर जितना है भ्रमण कर लीजिए, कोई भी आपको विपक्ष नहीं मिलेगा। विपक्ष रहेगा तो वो शांत हो जाएगा, 10 मिनट के लिए बोलेगा, उसके बाद शांत हो जाएगा। हट जाएगा, क्यों हट जाएगा भाई? आप लोग दबा देते हैं क्या? दबा क्यों नहीं देंगे भाई? अगर गलत बोलेगा तो दबाएंगे, जरूर दबाएंगे। मोदी जी का इंसल्टी थोड़ी सहेंगे, नहीं सहेंगे तो वो भी तो नहीं सहेंगे। अखिलेश यादव के कुछ आगे निपटे, बीजेपी की सरकार है, क्या करेंगे वो? अरे यार ये थोड़ी है कि भाई बीजेपी सरकार की नहीं, मतलब इंसल्टी अगर करेंगे तो हम भी तो इंसल्टी करेंगे, आके हमसे फिर भिड़े भिड़े बोलना चाह रहे कि मोदी जी जो है 2024 तो छोड़िए, 2029 छोड़िए, 29 के बाद भी मोदी जी बीजेपी का ही सरकार खा लिए। आप कम से कम 1000 239 का अनलिमिटेड रिचार्ज हो गया है उनका। अच्छा, 239 का अनलिमिटेड रिचार्ज। आप कम से कम 1000 लोगों का, 1000 लोग का इंटरव्यू ले चुके हैं, कोई मोदी जी के विपक्ष में बोला तो नहीं रहे, नहीं बोल रहे ना? तो फिर यही से आप आंकड़ा लगा लीजिए, आंकड़ा यही से आप लगाइए। कितने लोग, कितने लोग आए यहाँ पर, कितने लोग आए? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए जनता है, जनार्दन है, अयोध्या है भैया, धर्म नगरी है, प्रभु राम की नगरी है, और हम भी समय राममय हो चुके हैं, और जनता तो है ही है। बने रहिए न्यूज़पेपर के साथ, मैं हूँ राजवीर शाह, जय हिंद।